हेलो गाइस, स्पाइडरमैन की दुश्मनी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरे देखिएगा क्योंकि अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी पुरानी वाली वीडियो के बारे में। उस वीडियो में मैंने बताया था कि टॉम होलैंड के पास 10 साल और हैं एमसीयू में। अब होना क्यों? क्योंकि मार्वल फेज 4 खुद 2028 तक है, उसमें 22 मूवी हैं जो कि कंफर्म करते हैं केविन फाइगी। मैंने साफ बोला था उस वीडियो में कि टॉम होलैंड के पास खुद के 10 साल और हैं, जिसमें कि सिविल वॉर, होम कमिंग, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और फार फ्रॉम होम भी थी। अब मैंने इस अपडेट को और इस वीडियो को इसलिए कनेक्ट करा क्योंकि इसी से रिलेटिव पार्ट है और कंटिन्यूस अपडेट है। अब रूमर यह चल रहा है कि टॉम होलैंड के पास खुद की 9 सोलो मूवी होंगी, जिसमें कि पहली 3 मूवी होंगी हाई स्कूल की, जो कि होगी होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और एक और मूवी अभी आना बाकी है मेरे हिसाब से। और देन 3 अपकमिंग जो ट्रिलॉजी कंप्लीट करेंगी वो होगी कॉलेज की, जिसमें कि हमारा स्पाइडरमैन बड़ा हो जाता है, जो कि फोटोग्राफर बन जाता है, नौकरी करने लगता है, एमजे से प्यार करने लगता है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें होंगी। और देन अगली जो 3 ट्रिलॉजी मूवी बनेंगी वो होंगी अडल्ट की, जिसमें कि हमारा स्पाइडरमैन आगे जाके काफी बड़ा हो जाता है, सिनेसिस से लड़ता है, और देन सबसे बड़ी बात स्पाइडरमैन की शादी। तो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि हमें पुरानी वाली सैम रेमी की मूवी में भी देखने को मिल चुकी है। तो अगर ये रूमर चल रहा है, अगर ऐसा कुछ मार्वल प्लान कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा प्लान कर रहा है, क्योंकि टॉम होलैंड की एज भी कम है और धीरे धीरे जैसे ये मूवी बनती जाएंगी तो लोग इन्हें पसंद भी करेंगे। अब बात करते हैं फ्रैंक के बारे में। तो फ्रैंक ने कन्फर्म कर दिया है कि उनकी 5 कॉन्ट्रैक्ट मूवी है, तो यानी कि हमें क्रॉस बॉस का जो कैरेक्टर है वो आगे फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। और अगला अपडेट है काफी कमाल का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शॉन्ग जी मूवी के ऑफिशियली कास्ट करी जा रही है और जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील हो सकता है। धनुषी के साथ शॉन्ग जी का जो कैरेक्टर है वो उसकी रिलीजिंग डेट और एवरीथिंग अपडेट जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी देख सकते हैं, मैंने उसमें रिलीजिंग डेट भी बता रखी है। और देन अगला अपडेट है काफी कमाल का स्पाइडरमैन से रिलेटेड। तो शायद फ्यूचर में हमें सैंडमैन कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेफरेंस था फार फ्रॉम होम में। और देन उससे रिलेटिव एक और रूमर ये आया है कि हमें जो जोम्बी वाला आयरन मैन देखने को मिला था वो शायद ऑफिशियली आवाज रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने दी है। अभी ये कोई कंफर्म नहीं हुआ है पर रूमर चल रहा है। देन उसी के साथ एंड मैन द वास का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च करा गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये देखना है HD में तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हो। देन अभी हाल ही में पता चला था कि डोनल का भी इस मूवी में रोल था, पर वो हटा दिया। अब ये क्यों हटाया कभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो भी लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।